ओके इंग्लिश में भी पैसेज थे? नहीं, इंग्लिश में पैसेज। क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ कठिन भी। कितना करंट होगा लगभग? 2014-2016 तक का करंट पूछा गया है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है? ना, डायरेक्ट नहीं, घुमा के दिया गया। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज 1-5 का शिक्षक भर्ती का पेपर है बिहार में, तो जितने भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे हम बातें करते हैं कि आज के पेपर उनका क्या अपडेट रहने वाला है। इस तरह के एफर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखिए पटना लाइट एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट। क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए हैं। हां, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारे अटेम्प्ट किए हैं। ओके, एंड विथ एक्यूरेसी कितना, मतलब सही लग रहा है, इतना तो मैंने सही किया? एक्यूरेसी 90+। 90+, तब तो काफी अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। अच्छा, क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक से एसोसिएटेड आए हैं वो बता सकते हैं? क्वेश्चन तो जो हमारे मतलब कि उसका सिलेबस है, उन्हीं टॉपिक्स हैं। अच्छा, बट करंट के कुछ ज्यादा ही करंट हो गए हैं। कितना करंट होगा लगभग? 2014-2016 तक का करंट पूछा गया है। अच्छा, ऐसा। हाँ। तब तो ये तो करंट रहा नहीं एक तरीके से देखा जाए तो, वो तो हिस्ट्री बन गया है। हाँ, ये तो थोड़ा कठिनाइयाँ बढ़ा रही होगी। हाँ। अच्छा, कोई प्रेडिक्शन करेंगे कट ऑफ के चांसेस कहाँ तक जा सकते हैं? सर, इसके बारे में तो मैं नहीं, फिर भी एक रफ आइडिया, इतना तक तो सब कोई कर लेगा, उससे भी जाना है इसके बारे में। उसके बारे में कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग पेपर? पेपर मॉडरेट था, इसमें लैंग्वेज इजी था, रीजनिंग और मैथ भी ठीक था, रीजनिंग बहुत इजी थी, मैथ था एवरेज। अच्छा अच्छा, लेकिन जीएस वाला पोर्शन था थोड़ा, जीएस वाला पोर्शन था, ईवीएस वाला सही था, उसमें कुछ कुछ बहुत डीप में थे, ठीक था। पेडागोजी वगैरह भी इसमें कुछ थे क्या? नहीं, पेडागोजी वगैरह तो कुछ क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन थे वो किस किस टॉपिक से रिलेटेड थे? अच्छा, पैसेज वगैरह, पैसेज किस टॉपिक से संबंधित था? पैसेज जैसे भारत, भारत में जैसे इसको कैसे, मतलब इंडियन भारत के किस किसी टॉपिक से रिलेटेड? हाँ, मतलब भारत में संस्कार कैसे होने चाहिए सब कुछ। ओके, इंग्लिश में भी पैसेज थे? इंग्लिश में पैसेज, हाँ पैसेज था, वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? वो पैसेज से था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप हमें ये बताइए, लाइक मैथ्स एंड रीजनिंग, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस के अराउंड? मैथ्स ज़्यादा थे, रीजनिंग थोड़ी से कम थे। अच्छा, आप कोई प्रेडिक्शन करेंगे कट ऑफ को लेकर के कितने तक जाने के चांसेस बन सकते हैं? ये तो मैं नहीं बता सकती। कैसा रहा आपका परीक्षा? ठीक यार, पर करेंट अफेयर के नाम पर धोखा दिया अभी किसी ने। करेंट अफेयर के नाम पर धोखा हो गया। पूछा गया रहना चाहिए एक साल या छह महीना का, तो 2022-23-24 सबका दे दिया। अब तो ये करंट अफेयर रहा कहाँ? करंट अफेयर रहा कहाँ? तो फिर वो दिक्कत हो गया। ज्यादा क्वेश्चन था करंट अफेयर से या कुछ ही क्वेश्चन? नहीं, नहीं, जो 8-10 क्वेश्चन रहा था वही था। और सारे क्वेश्चन पूरा उतने पुराने पुराने? हाँ, कोई 2022 का था, 23 का था, 24 का था। अच्छा, सब मिला हुआ था, सब मिला जुला। करंट अफेयर का मतलब वो है नहीं। अच्छा, ये दिक्कत हो गई करंट अफेयर में। और बाकी सब, और सब बाकी सब क्वेश्चन ठीक था, ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, मैथ रीजनिंग? मैथ रीजनिंग ठीक ही था, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो बीपीएससी कराता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो तो रहेगा ही। बीपीएससी का अब तक ये पैटर्न रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज आए हैं। हाँ। तो अभी उस तरह का रहा किसी ने फैक्ट वाला था? कुछ नहीं था, इस बार नहीं था स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे। तब तो पेपर थोड़ा सा आसान रहा होगा? पेपर थोड़ा आसान था, लेकिन जो करंट अफेयर था ना वो इस बार खत्म हो गया, बस करंट अफेयर में दिक्कत हुई है, बाकी पेपर नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। और 10-12 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कहीं हर बार कहीं ना कहीं से पूछ जाता हूँ। अच्छा, कोई पता, कोई प्रेडिक्शन करेंगे कट ऑफ को लेकर के कहाँ तक जाने के चांसेस है? कट ऑफ कम से कम 75+ जाएगा। 75+ जनरल कैटेगरी? हाँ, उससे कम नहीं जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। फीमेल का 65-70 जा सकता है। ठीक है, काफी यूथ है, पूरा अंदर से एनर्जी होगा बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जी बिल्कुल। कैसा रहा आज का आपका परीक्षा? बढ़िया था, बढ़िया। करंट अफेयर थोड़ा पुराना था, पुराना मतलब 2016 का पूछे हुए थे, तो वो करंट अफेयर थोड़े रहा। हाँ, तो स्टैटिक्स को ही करंट अफेयर्स में डाले हुए था। अच्छा, कितने करंट अफेयर से वैसे क्वेश्चंस होंगे? तीन चार कि बिहार संबंधित था या फिर नेशनल या नेशनल कुछ सवाल के तौर पे आप बता सकते हैं जो आए हैं करंट अफेयर से? हाँ, मतलब कि वही था एशियन गेम जो है। अच्छा, स्पोर्ट्स से? हाँ, स्पोर्ट्स से। कुछ नियुक्तियाँ वगैरह? नहीं नहीं, नियुक्ति अपॉइंटमेंट से तो नहीं थे। आप कोई प्रिडिक्शन करेंगे कितना तक कट ऑफ जा सकता है? ये हम कैसे बताएं? बढ़िया, कितने क्वेश्चन आप बनाए? 90+ रहेगा। 90+, आप सही सही बनाए। क्वेश्चन कैसा आया है? बढ़िया था क्वेश्चन।
बढ़िया है क्वेश्चन जी जी, मतलब इजी, मतलब फैक्ट है या फिर थोड़ा पर क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है? नहीं स्टेटमेंट था कुछ क्वेश्चन आसान भी थे कुछ कठिन भी। अच्छा कितने क्वेश्चन में स्टेटमेंट होंगे? जैसे लगभग 30-40% तो आसान थे। अच्छा और बाकी डिफिकल्ट थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ज्यादा, जैसा बीपीएससी प्री का पेपर लेता है उस हिसाब उस तरीके का क्या? हाँ, उसी तरह का। अच्छा अच्छा, शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। आप कितने बनाए? कुछ कह नहीं सकते अभी, टफ था थोड़ा टफ था। क्या टफ लगा आपको? कोई कोई शब्द ऐसे थे जो सुने ही नहीं है, काफी चीजें थी जो नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी ठीक था। हिंदी इंग्लिश दोनों में वैसा? हाँ दोनों में। हाँ डिफिकल्टी थी? हाँ डिफिकल्ट था। ओके पैटर्न कैसा है? मतलब पिछले बार जो कैंसिल हुआ तो उसको फॉलो करते हाँ, उससे टफ था। उससे भी टफ था, वो तो ठीक था। जो एग्जाम है ना, हाँ तो वो जो हुआ था वो तो ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा ये कठिन था। कोई प्रिडिक्शन करेंगे कितने तक कटअप जाने के चांसेस बन सकते हैं? अब ये तो नहीं बता सकती। बहुत अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन आपके? 60-70। 60 सही सही। हाँ कैसा क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है? ना डायरेक्ट नहीं, घुमा के दिया गया। घुमा के मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत कम दिया गया। अच्छा इजी था। सो मल्टीपल कैंडिडेट से बात करके रिव्यू में हमने ये पाया कि पेपर इजी है, ज्यादा टफनेस वैसा रहा नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड ही रहे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी कम रहे। बाकी करंट अफेयर को लेकर सबका यही ओपिनियन है कि थोड़ा सा ये पुराना रहा है। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइव।